Hello students, in this lecture we will discuss about an important theorem on invariant subspace. थ्योरम क्या स्टेट करती है समझ लेते हैं. कंसीडर कर लेंगे टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी एक वेक्टर स्पेस वी टू वी डिफाइंड है. टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी टू वी डिफाइंड है और डब्ल्यू इसका कोई इनवेरियंट सबस्पेस है. टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी टू वी एंड डब्ल्यू इज एन इनवेरियंट सबस्पेस ऑफ वी अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी. टी के अंडर में डब्ल्यू इनवेरियंट सबस्पेस है. देन तब क्या होगा, टी इंड्यूसेस, टी जो है एक नए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करता है. इनवेरियंट सबस्पेस जो होता है वो एक नए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, जनरेट करता है, जिसे हम डिनोट करते हैं टी टिल्ड से डिनोट करते हैं. टी टिल्ड जो है वो किससे किस पे होता है, फ्रॉम वी अपॉन डब्ल्यू टू वी अपॉन डब्ल्यू, वी अपॉन डब्ल्यू से वी अपॉन डब्ल्यू पे डिफाइंड होता है. सच दैट किस तरीके से डिफाइंड होता है, टी टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस डब्ल्यू. फॉर एवरी अल्फा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू. क्योंकि वी एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू इसका सबस्पेस है तो वी अपॉन डब्ल्यू एक क्वेश्चन स्पेस बनेगा और डब्ल्यू क्योंकि इनवेरियंट सबस्पेस है और टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक इंड्यूस करेगा नए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को टी टिल्ड जो वी अपॉन डब्ल्यू से वी अपॉन डब्ल्यू पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. हम ये प्रूव करेंगे कि ये टी टिल्ड जो ये इंड्यूस करता है टी एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. फर्स्ट हम ये प्रूव करेंगे. फिर और क्या प्रूव करेंगे, अगर टी जो है टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई पॉलिनोमियल है क्यू एक्स, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है क्यू एक्स जो किसमें बिलोंग कर रही है एफ एक्स में, एफ पे डिफाइंड कोई पॉलिनोमियल है जिसे टी सेटिस्फाई कर रहा है, जिसे टी सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स क्यू टी इक्वल्स टू जीरो होगा, टी से सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो टी इस पॉलिनोमियल को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो टी जिस ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस कर रहा है टी टिल्ड जो है ये भी इसे सेटिस्फाई करेगा, ये भी क्यू एक्स को सेटिस्फाई करेगा. मतलब हमें शो ये करना होगा क्यू टी टिल्ड इक्वल्स टू जीरो, एक ही प्रूव करेंगे. दूसरी बात, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है टी टिल्ड की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो टी की मिनिमल पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी, वो टी की मिनिमल पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी. तो थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिख लेंगे. थ्योरम ये स्टेट करती है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी. लेट डब्ल्यू बी एन इनवेरियंट सबस्पेस ऑफ वी, देन टी इंड्यूसेस अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी अपॉन डब्ल्यू टू वी अपॉन डब्ल्यू, इंड्यूसेस अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी टिल्ड फ्रॉम वी अपॉन डब्ल्यू टू वी अपॉन डब्ल्यू डिफाइंड एज टी टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस डब्ल्यू. ये तो एक पार्ट है. मोर ओवर इफ टी सेटिस्फाइज अ पॉलिनोमियल qx belongs to fx, अगर qx जो fx में belong कर रही है t इसे satisfy कर रहा है, then
टी टिल्ड ऑल्सो सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल क्यू एक्स, ऑल्सो द मिनिमल पॉलिनोमियल, ऑल्सो द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी टिल्ड सेटिस्फाई डिवाइड्स द मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी। ये तीन पार्ट में हमें थ्योरम को प्रूव करना है। थ्योरम क्या स्टेट कर रही है, वी और वी दो वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों सेम वेक्टर स्पेसेस हैं और द फील्ड एफ डिफाइंड है और टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी से वी पर डिफाइंड है। डब्ल्यू एक इनवेरिएंट सबस्पेस है वी का, इनवेरिएंट सबस्पेस है। तो इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है, अगर डब्ल्यू को टी, टी को डब्ल्यू पे ऑपरेट करेंगे तो टी डब्ल्यू जो टी डब्ल्यू की इमेज मिलेगी वो डब्ल्यू में मिलेगी, इधर भी डब्ल्यू होगा डब्ल्यू में ही मिलेगी, डब्ल्यू जो है वो टी इनवेरिएंट है। देन टी जो है वो इंड्यूस करता है एक नया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी टिल्ड से डिनोट करते हैं, जिसे टी टिल्ड जो वी अपॉन डब्ल्यू, वी वेक्टर स्पेस है डब्ल्यू सब स्पेस है तो वी अपॉन डब्ल्यू क्वेश्चन स्पेस बनेगा, तो वी अपॉन डब्ल्यू से वी अपॉन डब्ल्यू पे डिफाइंड होता है, जिसमें वी अपॉन डब्ल्यू का एलिमेंट कैसे मिलेंगे, कोसेट्स मिलते हैं वी अपॉन डब्ल्यू में, कोसेट्स मिलेंगे डब्ल्यू के वी में, तो कोसेट्स जो मिलेंगे टी टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू, अगर कोई कोसेट है इस पे अगर ऑपरेट करेंगे टी टिल्ड को तो टी अल्फा, टी ऑपरेट हो जाएगा अल्फा पे प्लस डब्ल्यू मिल जाएगा हमें। तो ये इस तरीके से डिफाइंड है अल्फा प्लस डब्ल्यू वी अपॉन डब्ल्यू बराबर है। पहले हम ये शो करेंगे कि जो इंड्यूस कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये टी टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू ये कैसा होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो प्रूफ के लिए ऐसा करते हैं, वी अपॉन डब्ल्यू और v अपॉन डब्ल्यू ये सब स्पेस हमने ले लिए हैं, t टिल्डेड v अपॉन डब्ल्यू से v अपॉन डब्ल्यू पे एक सब स्पेस होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। t इसके एलिमेंट हमें जो दिया हुआ है जिसे हम ऑपरेट करते हैं अल्फा प्लस डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट्स हैं, अल्फा प्लस डब्ल्यू, अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी तो बीटा प्लस डब्ल्यू। हमें शो ये करना है टी टिल्ड जो होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें शो ये करना होगा इधर के दो वेक्टर्स हैं, दो स्केलर्स ले लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे उस पर टी टिल्ड ऑपरेट करेंगे, तो वेक्टर्स जो हैं टी टिल्ड जो है वो वेक्टर्स पे ऑपरेट हो जाए, स्केलर्स बाहर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस डब्ल्यू और बीटा प्लस डब्ल्यू दो वेक्टर्स ले लेंगे किसमें, वी अपॉन डब्ल्यू में। ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट वी विल शो दैट, पहले हम ये शो करेंगे टी टिल्ड इज लीनियर, पहले शो ये करेंगे कि टी टिल्ड जो है वो कैसा है, लीनियर है। लेट कर लेंगे लीनियर शो करने के लिए, फॉर एवरी अल्फा प्लस डब्ल्यू बीटा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्ल्यू एंड फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ वी हैव। देखिए हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स ले लिए, दो स्केलर्स ले लिए, वेक्टर्स और स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उस पर टी टिल्ड को ऑपरेट करेंगे, तो टी टिल्ड को ऑपरेट कर दिया मैंने, टी टिल्ड को ऑपरेट कर दिया, किस पे करेंगे ऑपरेट टी टिल्ड को, दोनों वेक्टर्स का दोनों स्केलर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ए अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बी बीटा प्लस डब्ल्यू इस पे ऑपरेट कर दिया टी टिल्ड को, इसकी इमेज हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर ए और बी बाहर मिल गए और टी टिल्ड जो है ये अंदर दोनों पे ऑपरेट हो गया तो हम ये कहेंगे टी टिल्ड कैसा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी ऐसा करेंगे अंदर पहले सॉल्व कर लेंगे, टी टिल्ड ये मिल जाएगा ए अल्फा प्लस डब्ल्यू बी बीटा प्लस डब्ल्यू, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कोसेट का किसी से स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर स्पेस जब क्वेश्चन स्पेस हमने पढ़ा था तो वहां पे मल्टीप्लाई करी थी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए अल्फा प्लस डब्ल्यू होता है तो ए अल्फा प्लस डब्ल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट को मैं इरेज कर रहा हूं,
यहां से क्या होगा, देखिए टी टिल्ड यहां पे क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू दो बार है, दो सब स्पेस जो है दो बार एड हो रहा है, जो कोसेट मिलेगा अगर डब्ल्यू एक बार ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा टी टिल्ड ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस डब्ल्यू, इस फॉर्म में आ जाएगा। और इस फॉर्म में आ जाएगा तो जो टी टिल्डे डिफाइंड है, टी टिल्डे से इस तरीके से डिफाइंड है, ए अल्फा टी टिल्डे को अगर अल्फा प्लस डब्ल्यू के ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है, टी अल्फा प्लस डब्ल्यू मिलता है। तो टी टिल्डे इस तरीके से डिफाइंड है कि यहां पे एक वेक्टर मिला है ये ए अल्फा प्लस बी बीटा, और टी टिल्डे को ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस डब्ल्यू के ऑपरेट कर रहे हैं, तो अल्फा की जगह ही पूरा वेक्टर काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी टिल्डे जब इसको ऑपरेट होगा तो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस डब्ल्यू ये मिल जाएगा हमें, जैसे टी टिल्डे डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा। टी क्योंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी को ए अल्फा प्लस बी बीटा पे ऑपरेट करेंगे तो ये क्या दे देगा, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा प्लस डब्ल्यू। ऐसा क्यों हुआ, सिंस टी इज लीनियर, टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो गिवन है हमें, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा प्लस डब्ल्यू ये मिल गया हमें, यहां से इसे ऐसे लिख सकते हैं ए टी अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बी टी बीटा प्लस डब्ल्यू, ऐसे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम। ए टी अल्फा प्लस डब्ल्यू इसे ऐसे लिख सकते हैं ए ऑन द ब्रैकेट में टी अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बी टी बीटा प्लस डब्ल्यू। ये ए जो है डब्ल्यू क्योंकि सबस्पेस है, डब्ल्यू खुद एक सबस्पेस है, डब्ल्यू सबस्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू ही रहेगा, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो ए डब्ल्यू में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे जैसे अगर ए को टी अल्फा प्लस डब्ल्यू के साथ लिख रहे हैं, यहाँ पे डब्ल्यू के साथ तो था नहीं ए, लेकिन ए तब भी हमने कॉमन ले लिया एक तरीके से, तो ए से अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू ही रहेगा, उससे चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से इसे ऐसे लिख लिया हमने टी अल्फा प्लस डब्ल्यू, टी अल्फा प्लस डब्ल्यू इसे लिख सकते हैं टी टिल्डे अल्फा प्लस डब्ल्यू, जैसे टी टिल्डे डिफाइंड है, प्लस बी टी बीटा प्लस डब्ल्यू, अगर यहां पे बीटा होता टी बीटा प्लस डब्ल्यू तो टी टिल्डे बीटा प्लस डब्ल्यू। तो हमने यहां पे ये ऑब्जर्व किया कि टी टिल्डे को ए अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बी बीटा प्लस डब्ल्यू का ऑपरेट किया था, ए बाहर मिल गया टी टिल्डे अल्फा प्लस डब्ल्यू, बी बाहर मिल गया टी टिल्डे बीटा प्लस डब्ल्यू, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दस टी टिल्डे इज लीनियर। टी टिल्डे ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, इंड्यूस हुआ है वी अपॉन डब्ल्यू पे, वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो लीनियर है, टी टिल्डे लीनियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, अब हमें शो ये करना है नेक्स्ट स्टेप में कि कोई क्यूएक्स पॉलिनोमियल है, क्यूएक्स कोई पॉलिनोमियल है जो किसमें बिलोंग कर रही है, एफएक्स में, जिसे टी सेटिस्फाई कर रहा है तो टी टिल्डे भी इसे सेटिस्फाई करेगा, टी सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्यूटी जीरो होगा, तो शो ये करना होगा क्यू टी टिल्डे भी जीरो होगा। तो ये शो करने के लिए इसे मैं रेज कर देता हूं, ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पावर्स डिफाइन करेंगे टी टिल्डे की, क्योंकि जब क्यू एक्स कोई पॉलिनोमियल हम लेट करेंगे एफ एक्स में तो उसमें जो अगर एन डिग्री की कंसीडर करेंगे तो एन डिग्री की एक्स की पावर्स आएंगी और टी से सेटिस्फाई करेंगे तो टी की पावर एन तक जाएंगे, तो हम क्या करेंगे टी टिल्डे की पावर एन तक मूव करेंगे। हम क्या करेंगे टी टिल्डे अल्फा प्लस डब्ल्यू तो डिफाइंड है हमारे पास, हम क्या करें चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं नाउ टी टिल्डे स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू, अगर हम ये लेना चाहें तो क्या होगा, तो क्या वो टी स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा, वो देखना चाह रहे हैं। इसी तरीके से क्यूब, तो क्या वो टी क्यूब अल्फा प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा, ये देखना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए टी टिल्डे इसे ऐसे लिख सकते हैं टी टिल्डे अल्फा प्लस डब्ल्यू, पहले फर्स्ट वाले दो टी टिल्डे हैं, एक को ऑपरेट कर दिया एक को बाहर रखा, बाहर वाला एज इट इज रहेगा, अंदर वाले को जब ऑपरेट करेंगे तो टी टिल्डे अल्फा प्लस डब्ल्यू टी अल्फा प्लस डब्ल्यू होता है, यहां से इसे लिख सकते हैं टी अल्फा प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो टी टिल्डे टी अल्फा प्लस डब्ल्यू मिल गया हमें। अब टी टिल्डे को टी अल्फा प्लस डब्ल्यू को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर अल्फा की जगह यहाँ टी अल्फा हो जाए तो यहाँ पे टी टी अल्फा प्लस डब्ल्यू मिल जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे टी अल्फा प्लस डब्ल्यू को ऑपरेट कर रहे हैं टी टिल्डे को, तो ये हो जाएगा टी टी अल्फा प्लस डब्ल्यू, टी टी अल्फा मतलब टी स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू।
तो हमने ये देखा टी टिल्डे स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू जो है वो टी स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू है। इसी तरीके से सिमिलरली हम आगे मूव करेंगे, टी क्यूब के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं टी टिल्डे की पावर एन अल्फा प्लस डब्ल्यू जो होगा हम उसे लिख सकते हैं टी एन अल्फा प्लस डब्ल्यू। टी टिल्डा जब ऑपरेट करते हैं अल्फा प्लस डब्ल्यू पे तो टी अल्फा प्लस डब्ल्यू मिलता है, अगर इसका स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो टी स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू, अगर इसकी पावर थ्री ऑपरेट करेंगे तो टी क्यू अल्फा प्लस डब्ल्यू, अगर इसकी पावर एन ऑपरेट करेंगे तो टी की पावर एन अल्फा प्लस डब्ल्यू हमें मिल जाएगा। तो टी टिल्डा की पावर एन अल्फा प्लस डब्ल्यू टी एन अल्फा प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा, इन्हें यूज करेंगे हम आगे चल के। अब क्या है लेट कर लेंगे, हमारे पास क्या गिवन है कि क्यू एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो एफ एक्स पे डिफाइंड है और एफ एक्स पे जो डिफाइंड पॉलिनोमियल है ये क्यू एक्स इसे टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें शो करना है ये टी टिल्डे से भी सेटिस्फाई होगी। हम क्या करेंगे पहले शो, पहले लेट करते हैं क्यू एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ए एन एक्स टू पावर एन बिलोंग्स टू एफ एक्स। हमने मान लिया क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल है वो ये है एन एन डिग्री पॉलिनोमियल एक्स में ये है क्यू एक्स, ठीक है, जिसे टी सेटिस्फाई कर रहा है। टी सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्यू टी अगर हम करेंगे तो वो जीरो होगा, उसे हम बाद में यूज करेंगे, टी इसमें रख के जीरो के इक्वल बाद में यूज करेंगे, ठीक है। देन क्यू टी अगर इसमें रखेंगे हम, इसको हम अभी हम जीरो पुट नहीं करेंगे लेकिन बाद में यूज कर लेंगे वो गिवन कंडीशन के लेके, तो ये हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर प्लस ए एन टी टू दी पावर एन, ये मिल जाएगा क्यू टी जो होगा, ठीक है, जो जीरो के इक्वल होगा वो गिवन है हमें कि टी से सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं, अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे क्यू टी क्यू टी पे टिल्ड ऑपरेट करेंगे, हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हम ये शो करना चाह रहे हैं कि क्यू टी टिल्ड जो होगा वो इक्वल होगा क्यू टी टिल्ड के। बेसिकली हम इन दोनों के बीच में इक्वलेंस इक्वल लाना चाह रहे हैं, ये क्यू टी टिल्डे जो होगा वो एक ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर कैसे होगा, क्यू टी क्या है, क्यू एक पॉलिनोमियल है, क्यू टी ये है, ये पूरा एक ऑपरेटर है, ऑपरेट होगा इसे किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे हम, तो क्यू टी टिल्डे जो है वो क्यू टी टिल्डे के इक्वल होगा। पहले हम ये शो करेंगे, तो हम ये शो कर देंगे तो क्योंकि टी जो है वो क्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, टी जो है वो क्यू जो है सॉरी टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन क्यू टी कैसा होगा जीरो, तो क्यू टी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, टी इसे सेटिस्फाई करेगा, क्यू टी जो है ये क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो क्यू टी टिल्ड क्या हो गया जीरो, मतलब क्यू जो है टी टिल्ड जो है वो क्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से ये मिल जाएगा। पहले इन दोनों में इक्वलेंस लाएंगे, इन दोनों में इक्वलेंस लाने के लिए हम क्या करेंगे क्यू टी टिल्ड लेके चलेंगे। नाउ क्यू टी टिल्ड इसे ऑपरेट करेंगे अल्फा प्लस डब्ल्यू पे, क्यू टी टिल्ड को अल्फा प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखिए क्यू टी टिल्ड को अल्फा प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट कैसे करेंगे हम ये देखिए, क्यू टी टिल्ड को अल्फा प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट करना है, क्यू टी जो है वो यही तो होगी, ये क्यू एक्स है, क्यू एक्स में एक्स की जगह पे हम टी पुट करेंगे, एक्स की जगह पे टी पुट करेंगे तो क्यू टी ये मिल रही है, क्यू टी ये मिल रही है, तो इट मीन्स क्यू टी जो मिलेगी हमें यहाँ पे वो ये मिलेगी ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर प्लस ए एन टी टू दी पावर एन और अल्फा प्लस डब्ल्यू, और यहां पे ये टिल्डे जो था ये पूरा ऑपरेट होगा इस पे, इस पूरे का टिल्डे है, ठीक है। क्यू टी टिल्डे जो है वो ये है हमारे पास, अगर आप ये कहना चाहें कि क्यू टी और उसका टिल्डे कर रहे हैं, क्यू टी का टिल्डे जो है तो उसके लिए क्यू टी क्योंकि ये थी पूरी और उस पर टिल्डे जब लगाएंगे तो इस पूरे पे टिल्डे लग जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा अल्फा प्लस डब्ल्यू, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम यहां से ये ऑब्जर्व करेंगे, इंक रिफिल कर ले, हमने यहां पे ये ऑब्जर्व किया कि क्यू टी टिल्ड पे जब अल्फा प्लस डब्ल्यू ऑपरेट करेंगे तो पूरे पे टिल्ड आ गया अल्फा प्लस डब्ल्यू। अब ये देखेंगे कि टी टिल्ड कैसे वर्क करता है, टी टिल्ड जो होता है जब उसे अल्फा प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट करते हैं तो टी टिल्डे की जगह टी आ जाता है, वो अल्फा पे ऑपरेट होता है और डब्ल्यू अलग मिल जाता है, तो ये पूरा है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो ऑपरेटर है टी,
कि पूरा ऑपरेटर जो है उस पर टिल्ड है और जिसे किस पे अल्फा प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो टिल्ड हट जाएगा, ये पूरा अल्फा पे ऑपरेट हो जाएगा, डब्ल्यू साथ में आ जाएगा। मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन टी ए टू टी स्क्वायर ए एन टी टू दी पावर एन अल्फा प्लस डब्ल्यू, ये अल्फा पे ऑपरेट हो जाएगा और डब्ल्यू साथ में आ जाएगा। यहां से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ए नॉट अल्फा ए वन टी अल्फा ए टू टी स्क्वायर अल्फा प्लस एंड सो ऑन ए एन टी टू द पावर एन अल्फा प्लस डब्ल्यू, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से हम ये देखेंगे ए नॉट अल्फा ये डब्ल्यू जो है सब स्पेस इसे एक बार ऐड करें या एन बार ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सारे टर्म्स के साथ डब्ल्यू लिख लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस ए वन टी अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस ए टू टी अल्फा प्लस डब्ल्यू टी स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस ऐसा होगा ए एन टी टू दी पावर एन अल्फा प्लस डब्ल्यू, इस फॉर्म में आ जाएगा। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट अल्फा प्लस डब्ल्यू ए नॉट अल्फा प्लस डब्ल्यू, यहां पे ए वन बाहर कर दिया टी अल्फा प्लस डब्ल्यू, यहां से ए टू बाहर कर दिया टी स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू, और यहां से ए एन बाहर कर दिया टी टू दी पावर एन अल्फा प्लस डब्ल्यू। इस फॉर्म में हमने लिख लिया, ऐसे क्या करा है ए वन बाहर ले लिया, ए वन डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करिए या मत करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डब्ल्यू सेम रहेगा। तो ए वन टी अल्फा प्लस डब्ल्यू ए टू टी स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू ए एन बाहर आ जाएगा टी एन अल्फा प्लस डब्ल्यू। अब यहां से इसे ए नॉट अल्फा प्लस डब्ल्यू तो एज इट इज ए वन एज इट इज टी अल्फा प्लस डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं टी टिल्ड जो डिफाइन था अल्फा प्लस डब्ल्यू को ऑपरेट कर रहे थे तो टी अल्फा प्लस डब्ल्यू आ रहा था, तो टी अल्फा प्लस डब्ल्यू को टी टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं टी टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू। यहां से ए टू टी स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू को इसी तरीके से टी टिल्ड स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस एंड सो ऑन, यहां पे ए एन ये टी एन अल्फा प्लस डब्ल्यू को टी टिल्ड एन अल्फा प्लस डब्ल्यू। देख रहे हैं हम कि ये सारे जो है वो पूरे अल्फा प्लस डब्ल्यू को ऑपरेट हो रहे हैं, सारे जो ऑपरेटर्स हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन टी टिल्ड ए टू टी टिल्ड स्क्वायर प्लस अप टू ए एन टी टिल्ड एन, और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है अल्फा प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट हो रहा है, ये अल्फा प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट हो रहा है। तो इसे लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, अगर हम ये देखें यहाँ पे क्यू टी, ये जो क्यू एक्स पॉलिनोमियल थी, क्यू एक्स पॉलिनोमियल में अगर एक्स की जगह पे टी टिल्ड रख देंगे तो ये यही तो है टी टिल्ड रखने पर, तो हम इसे कह सकते हैं कि क्यू टी टिल्ड है, ये क्यू टी टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू। तो यहां से हमने ये ऑब्जर्व करा, लेके क्या चले थे QT का होल टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू, और प्रूव ये कर दिया कि QT टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। तो दैट इज QT का होल टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट करके चले थे हम, और हमने शो ये कर दिया कि QT टिल्ड अल्फा प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। दिस इंप्लाइज ये QT टिल्ड ये इक्वल है किसके, क्यू टी टिल्ड के, क्यू टी यहाँ पे टी का पूरा टिल्ड है, यहाँ पे टी टिल्ड सिंगल ऐसे है, ये टी पे लग रहा है टिल्ड अलग से, यहाँ पे क्यू टी पे पूरे पे लगा हुआ है। गिवन है टी सेटिस्फाई कर रहा है क्यू एक्स, दैट इज क्यू टी इक्वल्स टू जीरो, क्यू टी जीरो है देयरफॉर ये जीरो हो जाएगा, जीरो बराबर क्यू टी टिल्ड, तो सिंप्लाइज हम ऐसे कह सकते हैं क्यू टी टिल्ड इक्वल्स टू जीरो, हेंस टी टिल्ड ऑल्सो सेटिस्फाइज, टी टिल्ड भी सेटिस्फाई कर रहा है किसे, क्यू एक्स को। यहां से ये कंक्लूड हो गया। एक कंडीशन, एक और चीज प्रूव करनी है, ये प्रूव करना है हमें कि जो टी टिल्ड की जो मिनिमम पॉलिनोमियल है वो टी की मिनिमम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। मान लेंगे लेट पी वन एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल, मान लिया टी पी वन एक्स जो है मिनिमल पॉलिनोमियल
ऑफ टी टिल्ड, टी टिल्ड की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, वो पी वन एक्स है। देन तो हम यहां से हम कह सकते हैं पी वन में टी टिल्ड पुट करेंगे तो जीरो होगा, टी टिल्ड से सेटिस्फाई कर रहा होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल को भी ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करता है, ये सबसे कम डिग्री की है इसे सेटिस्फाई कर रहा है। यहां से हमें ये पता लगा कि पी वन एक्स जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल है किसकी, टी टिल्ड की। लेट कर लेंगे पी एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी, पी एक्स जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल है किसकी, टी की। देन पी एक्स जो है वो टी की मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो कह सकते हैं पी टी बराबर जीरो, पी एक्स में टी अगर पुट करेंगे क्योंकि टी की मिनिमल पॉलिनोमियल है ये, तो पी इसमें एक्स की जगह पे टी पुट करेंगे तो ये भी जीरो होगा, ठीक है। अब जो कंडीशन सेकंड गिवन थी हमें, सेकंड क्या गिवन थी, अगर टी जो है वो किसी पॉलिनोमियल क्यू एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्यू को टी टिल्ड भी सेटिस्फाई करेगा, ये तो थी। यहां पे क्या मिल रहा है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, टी, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसे टी सेटिस्फाई कर रहा है, पी टी जीरो है तो पी टिल्ड टी टिल्ड भी जीरो होगा। सिंस पी टी इक्वल्स टू जीरो देयरफॉर पी टी टिल्ड इक्वल्स टू जीरो, पी टी टिल्ड भी जीरो होगा, क्यों, सेकेंड वाली कंडीशन से क्यू एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स में जिसे टी सेटिस्फाई कर रहा है तो टी टिल्ड भी करेगा, तो पी एक पॉलिनोमियल थी जिसे टी सेटिस्फाई कर रहा है तो टी टिल्ड भी करेगा, तो पी टी टिल्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे हमने ये देखा कि पी वन टी टिल्ड भी जीरो है, पी टी टिल्ड भी जीरो है, लेकिन हमने ये मान के चले थे कि पी वन जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल है किसकी, टी टिल्ड की। ये मिनिमल पॉलिनोमियल है सबसे कम डिग्री की है, ये भी एक पॉलिनोमियल होगी जो टी टिल्ड को डिवाइड सेटिस्फाई कर रही है, ये भी एक पॉलिनोमियल जो टी टिल्ड को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री कम है, ये सबसे मिनिमल पॉलिनोमियल है। दस यहां से ऑब्जर्व करते हैं ये भी टी टिल्ड को टी टिल्ड इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, टी टिल्ड इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कम डिग्री की है, इट मीन्स ये वाली जो है इसे डिवाइड करेगी, तो हम यहां से कह सकते हैं दस टी टिल्ड सेटिस्फाइज पी एक्स एंड पी वन एक्स, बट पी वन एक्स इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, इज द मिनिमल पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय टी टिल्ड, हेंस क्योंकि ये पी वन एक्स जो है मिनिमल पॉलिनोमियल है तो पी वन एक्स जो है वो पी एक्स को डिवाइड करेगी, पी वन एक्स डिवाइड्स पी एक्स, यही हमें प्रूव करना था कि टी टिल्ड की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो टी की मिनिमल पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। यहां पे थ्योरम कंक्लूड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।